कराची में सहाफियों के एजाज में दिए जाने वाले इफ्तार डिनर के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि 15 दिन में सर्कुलर रेलवे पर कायम इंक्रोचमेंट खत्म करें। हमारे जुम्मे KCR की इंक्रोचमेंट को खत्म करने का हुक्म दिया चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। रेलवे में हमने नारा लगाया कि आराम आराम है और करप्शन आराम है, बाकी हर चीज़ हलाल हो सकती है, आराम और करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, जीरो टॉलरेंस होगी। उन्होंने कहा कि सारे गंदे अंडे इफ्तार पर जमा हो गए। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि इनके साथ भी शहबाज शरीफ वाला फार्मूला हो। आज वहाँ चोरों की संडे मार्केट लग रही है, मेरी बात सुन लें, सारे गंदे अंडे एक टोकरे में इकट्ठे होने जा रहे हैं, ये बदबूदार तीसरी नस्ल के बदबूदार क़यादत जो बाप के हराम माल पर जवान हो रहे हैं, जिनको यही पता नहीं लगता कि उनके सैंडविच कहाँ से आते हैं और उनके किराए कहाँ से आते हैं। और इस मुल्क में नून लीग जो बड़ी अपने नून लीग अपना सियासी जनाजा निकालने के लिए जा रही है, और क्या कौम को पता नहीं है कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे बेईमान करप्ट डिसऑनेस्ट स्लगिश नॉनसेंस एक्स्ट्रावेगेंट बल्कि मैं स्टूपिड भी कह देता हूँ, जो करना कर लो, ये क्या लोग हैं, क्या बेचते हैं ये। सिंध हुकूमत जो कहेगी उसके साथ तआवुन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील होगी और उसके बाद KCR क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम ये उनके हवाले कर देंगे और वो इसको कैसे मैनेज करते हैं और ये उसका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और उनकी फिजिबिलिटी क्या है और उनका PC1 क्या है, ये उनकी स्वाबदीद है। हमें सिंध गवर्नमेंट भी जो कहेगी उस पर भी पूरा तआवुन करेंगे हम उनके साथ।